सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रुचिस किचन को और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आप देख पाएं मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से फटे हुए दूध की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फटे हुए दूध की कोफ्ता करी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके बनाने का तरीका। कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध, जो मेरा फट गया था उसे मैंने छान के इसका छेना बना लिया है। ग्राम में ये 250 से 270 ग्राम तक है और कप के हिसाब से 1 से 1.5 कप है। तो हम इसे अच्छे से छान लेंगे। साथ में हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, सूजी, नमक, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, तेल, बारीक कटी हरी धनिया, गरम मसाला, 6 से 8 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च मीडियम साइज़ की। खड़े मसालों में हमें चाहिए 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग और 4 काली मिर्च। अब हमें सबसे पहले कोफ्ते के लिए मिक्सचर तैयार करना है, इसलिए मैंने एक बाउल लिया है और हम इसमें डाल लेंगे हमारा जो फटे हुए दूध का छेना था वो। तो सारे छेने को मैं इसमें डाल लूँगी। अब हम इसमें ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, साथ में हम इसमें डाल लेंगे 2 या 2.5 बड़े चम्मच सूजी और अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। एक बार में ज़्यादा सूजी ना डालें, हमें बस ये हल्का सा बाइंड हो इतना ही सूजी डालना है। तो मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच सूजी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बॉल बना सकते हैं, मैं यहाँ मीडियम साइज़ के बॉल बना रही हूँ। मैंने हल्का सा टुकड़ा लिया है और इसे अच्छे से मैंने दोनों हाथों में लपेट के छोटा सा प्यारा सा बॉल बना लिया है। इसी तरह से सारे मिक्सचर के हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे सेम प्रोसेस से। मैं और भी बॉल बना लेती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लें, उसे अच्छे से दोनों हाथों में लपेटें और हमारा बॉल तैयार। तो देखिए मैंने सारे मिक्सचर के बॉल बना लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, इसलिए मैं तेल को गर्म कर लूँगी। छेना बॉल को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तो हम इसमें एक एक करके सावधानी से छेना बॉल्स को डाल लेंगे। मैं एक बार में यहाँ पर 7 से 8 बॉल्स डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो मीडियम ही रखा है और हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। आप बीच बीच में इसे पलट भी लें, देखिए इसके एक साइड हल्का सा ब्राउन कलर आ भी गया है। तो इसी तरह से हम उलट पुलट के मीडियम लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो देखिए हमारे बॉल्स पे कितना अच्छा प्यारा सा ऑरेंज ब्राउन कलर आ गया है। हमारे बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब मैं इन्हें निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखिए मैंने कुछ बॉल्स फ्राई कर ली और ये कितने प्यारे दिख रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर। अब हमें टमाटर प्याज का पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंने एक ग्राइंडर जार लिया। इसमें हम सबसे पहले डाल लेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए प्याज। प्याज और टमाटर दोनों को ग्राइंडर जार में डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ों को ग्राइंड करके मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। करी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म की है, तो इसमें हम डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच तेल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, साथ में खड़े गर्म मसाले। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड हल्का सा कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना हमें। 30 से 40 सेकेंड बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दोनों चीज़ों को मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट हल्का सा कुक करेंगे।
उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे हमारी प्यूरी जो हमने बनाई थी, और इसे भी मिक्स करके सभी चीज़ों के साथ मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट हल्का सा कुक करेंगे। तो इसे मिक्स करते हुए अच्छे से हम 2 मिनट कुक कर लेंगे, फ्लेम मीडियम ही रखें और मसाले डालने टाइम लो वरना मसाले जल जाते। तब हम 2 मिनट बाद इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में नमक स्वाद अनुसार, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट मसालों को और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं और तेल भी छोड़ दें। देखिए हमारे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, साथ में इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है साइड से। तब हम इसमें डाल लेंगे 1 कप पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। पानी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 1 बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तब मैंने इसे ढक दिया है, 4 से 5 मिनट पे इसमें 1 बॉयल आराम से आ जाएगा। अब मेरी करी में 1 बॉयल आ गया था तो मैं पैन का ढक्कन हटाऊंगी। देखिए ऐसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी से मैंने हाथ में ले लिया, इसे रब करके अच्छे से हम इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कुक करेंगे। 1 मिनट इसे कुक करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे हमारे छेना बॉल्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो सारे छेना बॉल्स को मैं इसमें डाल लूँगी, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे भी ढक के मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हल्का सा कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो 2 से 3 मिनट हल्का सा कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद मैं पैन का ढक्कन हटाऊंगी और इसे एक बार हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए हमारी करी कितनी प्यारी दिख रही है, सुंदर सी। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल लूँगी बारीक कटी हरी धनिया, और धनिया को भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया को भी ग्रेवी में मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और 1 मिनट बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और 1 मिनट तक इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद इसे ओपन करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब गैस ऑफ किए 1 मिनट हो गया है, तो अब मैं इसे करी को सर्व कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एक सर्विंग बाउल लिया जिसमें हम करी को निकाल लेंगे। आप इसे पूरी, पराठा या राइस के साथ अपनी किसी भी फेवरेट चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं सारी करी को सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।